तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेस्टर्न ऑफिशियल में। आज के वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर स्टाफनर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं लेकर के आई हूँ। कल के वीडियो में मैंने 1 से 25 तक के क्वेश्चन करवा दिया था, तो आज 26 नंबर क्वेश्चन से लेकर आई हूँ। सबसे पहले 26 नंबर क्वेश्चन है, हाइपोकलेमिया के नैदानिक लक्षण क्या है? ऑप्शन ए स्कोपिक टी वेव, ऑप्शन बी लंबी पीआर इंटरवेल, ऑप्शन सी सकारात्मक चोस्टिक चीन, ऑप्शन डी मांसपेशी कमजोरी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मसल्स वीकनेस जो होता है वो हाइपोकलेमिया के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इलाज या प्रोसीजर के दौरान इन्फेक्शन को होने को कहते हैं। ऑप्शन ए अवरुद्ध संक्रमण, ऑप्शन बी अस्पताल संक्रमण, ऑप्शन सी सघन संक्रमण, ऑप्शन डी रोगात्मक संक्रमण। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अवरुद्ध संक्रमण, जिसे आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मरीज को एनीमिया लगाते समय कौन सा पोजीशन देंगे? ऑप्शन ए सिम्स बाइलेटरल, ऑप्शन बी प्रोन, ऑप्शन सी नीचेस्ट, ऑप्शन डी बैठी हुई स्थिति। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, आँख का परीक्षण करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए ऑटोस्कोप, ऑप्शन बी प्रोक्टोस्कोप, ऑप्शन सी ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्शन डी इंडोस्कोप। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्थेल्मोस्कोप का प्रयोग जो है आँख का परीक्षण के लिए करते हैं। इसमें रहा बात कि ऑटोस्कोप, तो ऑटोस्कोप का जो करते हैं वो कान के लिए करते हैं, और मल गुहा को देखने के लिए जो करते हैं यूज़ करते हैं प्रोक्टोस्कोप करते हैं, इंडोस्कोप जो होता है बॉडी एक्टिविटी को देखने के लिए इंडोस्कोप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, कोर बॉडी तापमान को लेते हैं? ऑप्शन ए मल द्वार, ऑप्शन बी टिम्पेनिक झिल्ली, ऑप्शन सी बाया आलिंद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, एनजी ट्यूब की लंबाई को नापते हैं ट्यूब डालने के लिए। ऑप्शन ए नाक का टिप से कानों फिर जिफॉइड प्रोसेस तक, ऑप्शन बी नाक के टिप से जिफॉइड प्रोसेस तक, ऑप्शन सी नाक के टिप से माथे और जिफॉइड तक, ऑप्शन डी नाक के टिप से पेट तक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नाक के टिप से कान और फिर जिफॉइड प्रोसेस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम दस्ताने पहनते हैं तो पहले कौन से हाथ में पहनना चाहिए? ऑप्शन ए किसी भी हाथ में, ऑप्शन बी प्रभावी हाथ में, ऑप्शन सी अप्रभावी हाथ में, ऑप्शन डी हमेशा सीधे हाथ में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पहले अप्रभावी हाथ यानी नॉन डोमिनेंट हैंड में पहनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मरने के बाद शरीर में कठोरपन आता है तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल्गोर मोर्टिस, ऑप्शन बी लीवर मोर्टिस, ऑप्शन सी राइगर मोर्टिस, ऑप्शन डी टार्डियो दाग यानी स्पॉट्स। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राइगर मोर्टिस। एल्गोर मोर्टिस क्या होता है? ये होता है कि शरीर का तापमान कम होना एल्गोर मोर्टिस कहलाता है। लीवर मोर्टिस क्या होता है? ये होता है कि मरने के बाद त्वचा का रंग जो होता है वो फीका पड़ जाता है, तो उसे लीवर मोर्टिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डाटा इंटरस्टेट रेनल डिजीज वाले क्लाइंट के फ्लूड स्टेटस के बारे में ज़्यादा सही सूचना देता है? ऑप्शन ए मरीज का रोज वजन लेना, ऑप्शन बी इंटेक और आउटपुट चार्ट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट स्तर, ऑप्शन डी मलासा की हलचल। तो मरीज का रोज वजन लेना ये जो होता है डाटा इंटरस्टेज रेनल डिजीज में सबसे पहला फ्लूड स्टेटस का सूचना देने का सबसे सही तरीका है, मरीज का डेली वजन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, आरामदायक उपकरण जिसका उपयोग पादपाद से बचाने के लिए करते हैं, मतलब फूड ड्रॉप से बचाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए बेड क्रेडल, ऑप्शन बी पैड का बोर्ड, ऑप्शन सी मिट्टी का थैला, ऑप्शन डी तकिया। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पैर का बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक टी स्पून में कितना एमएल होता है?
ऑप्शन ए 1 ml, ऑप्शन बी 3 ml, ऑप्शन सी 5 ml, ऑप्शन डी 7 ml। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 5 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक परीक्षण के लिए कौन सी विधि है पहचानने? ऑप्शन ए देखना, ऑप्शन बी स्पर्श, ऑप्शन सी परिस्पर्श, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी पाल्पेशन, ऑप्शन सी परक्यूशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, जब आँख साफ करते हैं तो उसे साफ कैसे करते हैं? ऑप्शन ए इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, ऑप्शन बी आउटर कैंथस टू इनर कैंथस, ऑप्शन सी मिडल ऑफ द आई टू आउटर कैंथस, ऑप्शन डी मिडल ऑफ द आई टू इनर कैंथस। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, अंदर नेत्रकोण से बाहरी नेत्रकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पेडिकुलोस का ट्रीटमेंट है, ऑप्शन ए डीडीटी 5% और 10%, कार्बोनिक घोल 1:40, ऑप्शन सी बराबर भाग केरोसिन और तेल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। 40 नंबर क्वेश्चन, रेडियल धमनी के कैनुलेशन करने से पहले संपार्श्वी परिसंचरण किस परीक्षण की सहायता से देखते हैं? ऑप्शन ए एलेंस टेस्ट, ऑप्शन बी वेवर टेस्ट, ऑप्शन सी रिनिन्स टेस्ट, ऑप्शन डी कोल टेस्ट। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एलेंस टेस्ट। वेवर टेस्ट और रिनिन्स टेस्ट जो होता है हियरिंग असेसमेंट के लिए होता है, और कोल टेस्ट और हॉट टेस्ट जो होता है प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सी ऑर्डर दवाई को तुरंत और एक बार ही देने के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए पीआरएन ऑर्डर, ऑप्शन बी स्टेट ऑर्डर, ऑप्शन सी सिंगल ऑर्डर, ऑप्शन डी स्टैंडिंग ऑर्डर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्टेट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से आइसोटोनिक फ्लूड कौन सा है? ऑप्शन ए 0.9% एनएस, ऑप्शन बी आरएल, ऑप्शन सी डेक्सट्रोज 5% पानी में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो निम्न में से जो आइसोटोनिक फ्लूड है वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, पल्स डेफिक्ट क्या है? एपिकल नाड़ी और रेडियल नाड़ी के बीच अंतर, ऑप्शन बी एपिकल नाड़ी और फीमोरल नाड़ी के बीच अंतर, ऑप्शन सी टू एपिकल नाड़ी की परिमाण क्यूटी 1 घंटे के अंतराल में अंतर, ऑप्शन डी एपिकल नाड़ी और बीपी लेने के पहले के बाद के बीच में अंतर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एपिकल नाड़ी और रेडियल नाड़ी के बीच का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, असवांतन शॉक यानी हाइपोवोल्मिक शॉक में सबसे अच्छी पोजीशन मरीज को देंगे? ऑप्शन ए नी चेस्ट स्थिति, ऑप्शन बी ट्रेंडलबर्ग, ऑप्शन सी फॉलर्स, ऑप्शन डी लेटरल स्थिति। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फेशियल नस क्या पर टेपिंग करने के कारण फेशियल पेशियों में खिंचाव होता है कहलाता है? चोवोस्टेक्चिन, ऑप्शन बी ट्रोसार्सचिन, ऑप्शन सी ट्रोसायुचिन, ऑप्शन डी होमानचिन। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चोवोस्टेक्चिन। ट्रोसायुचिन क्या होता है? जब बीपी कफ को दबाते हैं तो सिस्टोलिक दबाव के कारण जो कार्पल स्पॉस्म होता है उसी को ट्रोसायुचिन बोलते हैं। होमानचिन क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस में जो होता है वो होमानचिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, एक बिस्तर में लंबे समय से लेटे मरीज में बिस्तरीय घाव से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन ए 2 घंटे से स्थिति बदलना, ऑप्शन बी रोज बिस्तर पर नहलाना, ऑप्शन सी नमी से बचाना, ऑप्शन डी आहार स्थिति अच्छी बनाए रखना। तो हर 2 घंटे में स्थिति बदलना ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉलीस्कार्थाइड पेशेंट के यूनरी बैग को कैसे रखेंगे। ऑप्शन ए मरीज के स्तर पर, ऑप्शन बी मरीज के स्तर से नीचे, ऑप्शन सी मरीज के लैप पर, ऑप्शन डी मरीज के स्तर से ऊपर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मरीज के स्तर से नीचे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, शरीर ऊतक का कार्य कितने तापमान के साथ अच्छा होता है। ऑप्शन ए 32 से 34 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 34 से 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 36 से 39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 38 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 36 से 39 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फॉरेन हाइट में जो होता है 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, गर्म क्षति उपकरण में सम्मिलित है एक्सेप्ट कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी इवेपोरेशन, ऑप्शन डी इराडिकेशन। तो ये दोनों तीनों जो है वो हीट लॉस मैकेनिज्म में आते हैं यो ऑप्शन डी के अलावा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इराडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीजन परिपूर्णता को किस इक्विपमेंट से नापते हैं। तो ऑप्शन ए लिप ब्लैंकेट, ऑप्शन बी पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन सी ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्शन डी गोनियोमीटर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पल्स ऑक्सीमीटर से नापते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।